नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसको क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। तो मैं आज उसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ओल्ड एज, तो ओल्ड एज बेस्ट डिफाइन एज एज ऑफ रिटायरमेंट दैट इज 16 ईयर एंड अबव। न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज इज नॉन एज जियरेट्रिक न्यूट्रिशन। एजिंग ब्रिंग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल चेंज विच इन द न्यूट्रिशन स्टेटस। जियरेट्रिक्स द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विथ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द एडेलरी, डीलिंग द ऑनसेट ऑफ सीवियरली डिजनरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ एजिंग एंड ट्रीटिंग द डिसीज ऑफ द एज। जेरोनटोलॉजी ब्रॉड एरिया ऑफ द साइंस कंसर्न विद ऑल द साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। तो बात करते हैं चेंज एसोसिएट विथ एजिंग, फिजियोलॉजिकल चेंज और सोशियो साइकोलॉजिकल चेंज। हमको दो चेंज देखने को मिलती है, फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलती है और सोशियो साइकोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब कि अपने बॉडी के अंदर वो जो चेंज आते हैं वो, सोशियो साइकोलॉजिकल चेंज जो हमारे माइंड में चेंज होता है वो। अब फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं तो लॉस ऑफ टीथ मतलब कि जो हमारे दांत होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, मतलब कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कि वो कम होने लगता है। इम्पेयर हियरिंग एंड फेयरिंग विजन मतलब कि हमको देखने में भी दिक्कत आती है और सुनने में भी दिक्कत आती है। डिमिनिश सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल हमको स्मेल लेने की और टेस्ट लेने में भी हमको दिक्कत आती है, मतलब कि हमको वो नहीं आती, एनोरेक्सिया। हम खाना भी अवॉइड करते हैं। चेंज इन बॉडी कॉम्पोजिशन हमारी जो बॉडी है वो भी चेंज होने लगती है। चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारी GIT सिस्टम मतलब जो खाने की जो पाचन तंत्र है उसको भी इफेक्ट होती है। चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो हार्ट है वो भी कम होता है, मतलब कि फिजिकली का चेंज। चेंज इन रेस्पिरेटरी फंक्शन जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी दिक्कत आती है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आती है। चेंज इन रीनल फंक्शन हमारी रीनल फंक्शन है उसमें भी चेंज देखने को मिलती है। और सोशियो साइकोलॉजी चेंज की बात करते हैं तो फूड हैबिट हमको जो हैबिट है वो भी चेंज होने लगती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब कि जो हमारी मनी है इसमें भी हमको चेंज देखने को मिलती है। लोनलीनेस हमको अकेलापन महसूस होता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज हमको जो नॉलेज होना चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में वो भी हमारा कम हो जाता है। डिप्रेशन हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंगजाइटी हमको एंगजाइटी मतलब कि हम एंगजाइटी फील करते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम हमको हमारे पास जो सेल्फ इस्टीम होना चाहिए वो नहीं होता है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हमको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द एल्डर जो ओल्डर पीपल होती है उसको क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एनर्जी की बात करें दोस्तों तो एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमको। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज होता है। और रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी वो रिड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लेने चाहिए रिक्वायरमेंट द रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट जो हमको बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इम्पेयर द ग्लूकोज इंटोलरेंस कैन लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया एंड टाइप ऑफ डायबिटीज एंड मेलिटस में भी वो हेल्प करता है। 50% एनर्जी शुड डिराइव फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट जो 50% एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन की बात करें तो डिक्रीज द स्केलेटल टिश्यू मास जो हमारे स्केलेटल है मतलब जो हमारे बोन्स है उसमें वो हेल्प करता है। डिक्रीज इन स्टोन ऑफ द प्रोटीन इंडिविजुअल टू मीट द नीड टू प्रोटीन सिंथेसिस हमको प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड विथ मिल्क एंड कूड शुड बी इंक्लूड जो मिल्क से हमको प्रोटीन मिलता है तो वो हमको इसका सेवन करना चाहिए। लिपिड की बात करें तो लिपिड तो डेमेसिस एंड सीवरी में शेयर रिस्क फैक्टर लाइक हाई इंटेक ऑफ डायट्री टोटल फैट सफिशेंट इंटेक ऑफ फैटी एसिड हेल्प इन द विजुअल एक्यूटी हेयर लॉस जो हमको हेयर लॉस हो गए हो, टिश्यू इन्फ्लेमेशन हुआ हो, इम्प्रॉपर डाइजेशन हुआ हो, हमारी किडनी जो पूर हो गई हो, फंक्शन हो गया हो, मेंटल डिप्रेशन हो गया उसमें वो हेल्प करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मिनरल की तो मिनरल के अंदर क्या आता है तो कैल्शियम की बात करें तो दो कंप्रेसर एज रिलेटेड लॉस ऑफ टू इंप्रूव द कैल्शियम बैलेंस एंड टू डिक्रीज द प्रीवेंस ऑफ द फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर होने में भी वो हेल्प करता है। आयरन की बात करें जिंक की बात करें वो सब हमको लेना चाहिए ओल्ड की एज में।
विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के अंदर पीपल विथ पार्किंसन डिजीज है लो विटामिन डी लेवल, मतलब कि विटामिन डी का लेवल जो कम होता है तो उससे हमें पार्किंसन डिजीज होने की संभावना रहती है। डायट्री सप्लीमेंट विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी इम्प्रूव बोन डेंसिटी एंड प्रिवेंट फ्रैक्चर, जो हमारे जो विटामिन डी है और कैल्शियम है वो आपको बोन डेंसिटी में आपको हेल्प करता है। विटामिन जो स्ट्रेस स्मोकिंग एंड मेडिकेशन कैन इंक्रीज द विटामिन सी रिक्वायरमेंट, जो हमारा जो स्ट्रेस है उसमें और स्मोकिंग जो हो हमको कम करना चाहिए, हमको मेडिकेशन करना चाहिए जो मॉर्निंग में जो और सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोग करते हैं। तो विटामिन सी में भी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैटरक्ट एट इंटेक लेवल। विटामिन चेंज इन इम्यून सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग, जो विटामिन है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन बी सिक्स इंक्रीज ड्यू टू एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, जो आपको एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हुई है तो आपको विटामिन बी सिक्स आपको लेना चाहिए। इंप्रेस विद द एब्जॉर्प्शन अल्कोहलिक एंड लीवर डिसफंक्शन। दूसरी बात करते हैं विटामिन का, अल्कोहलिज्म रिस्क फैक्टर ऑफ द फॉलेट डिफेंसी सीवियर डिफेंसी ऑफ फॉलिक एसिड में बी रिजल्ट एनेमिया एंड एलिवेटेड सीरम होमोसिस्टेसिस लेवल फीच इज रिस्क फ्रॉम द कार्डियक डिजीज, कंज्यूम फ्लेट रिच फूड इज नीडेड। दोस्तों ये हुई विटामिन की बात। न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अमंग एलडी, जो हमको क्या क्या हो सकते हैं ओल्ड एज में, ऑबिसिटी आ जाती है, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, डायबिटीज होने की संभावना रहती है और हमारा लास्ट डिसीज है कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए होम्योपैथी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।